मत पे बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं आरसीएम से पहले काफी खड़ा हूं। यस रियल में अगर देखा जाए तो मैं बिहार का तीसरा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और आरसीएम बिजनेस को अक्टूबर 2001 से मैं यहाँ से नहीं किया हूँ। यहाँ से देखिए आरसीएम बिजनेस में क्यों करना चाहिए, क्या बात है वो समझने की जरूरत है। आज आप लोगों को समझना और अगर आज समझ गए तो दुनिया का कोई काम आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर आरसीएम में पागल हो जाएगा। क्या वो जो चीज मिलता है दुनिया का सबसे, मैं देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ किस बिजनेस में। देखिए कोई ना कोई वजह होना चाहिए, कोई ना कोई रीजन होना चाहिए और कोई ना कोई विजन होना चाहिए। क्या आज देखिएगा आपके बजाज कंपनी के मालिक को 1980 में ही दिमाग में आ गया था कि आने वाला दुनिया जो बाइक की दुनिया आने वाली। क्या और उसी समय उन्होंने कावासाकी जो जापान की बहुत बड़ी कंपनी है मोटरसाइकिल बनाने, उस कंपनी से वो टाइप किया और वो बाइक बनाना शुरू किया और आज रियल में बाइक की दुनिया आ चुकी है। अब कोई स्कूटर खरीदना पसंद नहीं करता है वो बाइक और आज वो टिकी हुई है मार्केट। तो उसके पास क्या था, विजन था, यानी कि 40 साल पहले उसने अपने आंखों से अपने बुद्धि से ये देखा कि आने वाला क्या परिवर्तन होने जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि कभी आप सुने होंगे कि शादी में कभी HFT घड़ी का बहुत डिमांड होता उस समय HFT घड़ी बहुत मायने रखता था और आज HFT घड़ी आपके सामने नहीं। क्या क्योंकि उसके पास विजन नहीं था कि दुनिया कैसे बदल रही है, वो बदला नहीं, अपने मार्केट से उभर गया। उस समय राजदूत एक बहुत बड़ी गाड़ी थी, उस समय HD एक बहुत बड़ी गाड़ी थी। क्या आज अगर उसको खोजने जाइएगा तो किसी शोरूम में नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं कबाड़ खाना में मिलेगा। क्या एम्बेसडर आज के डेट में आपको रोड पर चलती दिखाई नहीं पड़ेगी। आज सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हाल फिलहाल में आपकी नोकिया भी मार्केट से गायब हो गई। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इन लोगों ने आगे जो आने वाला समय है उसको पहचाना नहीं, उसको देखा नहीं, नतीजा क्या हुआ, देखने में चूक हो गई, MLM हिसाब से देखने में चूक हो गई, आज वो मार्केट से उखड़ गई। फिर यह स्कूटर को भी देखने में चूक हो गई और मार्केट से उखड़ गई, यानी कि सरे सरे दुनिया परिवर्तन हो रही है और इसको देखने की जरूरत है। क्या और इसी को कहा जाता है विजन। क्या और ये विजन हमारा इस दो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, हमारे शास्त्रों में कहा जाता था कि यहाँ पर एक नेत्र होता है। क्या अव्वल नेत्र किसी किसी का खुलता था और वहीं से लोग दिखाई पड़ता था। क्या आने वाला और इसीलिए आज की डेट में मैं वो नेत्र आप लोगों को खोल रहा है कि भैया क्या सोच के चल रहे हो मुझे नहीं पता है, लेकिन आने वाला 20 साल के बाद क्या होगा आपको आज मैं बताने जा रहा हूं। क्या आदमी कोई काम करता है, मैडम बैठ जाइए, देखिए आदमी कोई काम करता है कोई काम करने का रीजन तो होगा। अभी हम लोग किस युग में चल रहे हैं, ये युग क्या है, ये पैसे का युग है, अर्थ युग कहा जाता है। यहाँ पैसा बहुत बड़ी चीज हो चुकी है, आपको पता है पैसा बहुत बड़ी चीज है और आज समाज में पैसे वाले को ही एक बहुत बड़ी पूछ है। क्या आप देखेंगे कि जो लोग आज चार चक्के गाड़ी से आते हैं उतरते हैं तो लोग उसके बारे में पहले से ही जानकारी ले लेते हैं, वो गेट से वहां तक पहुंचते पहुंचते लोग पता कर लेते हैं कि आदमी कौन है। क्या तो ये सबसे बड़ी बात है कि आज अर्थ के युग में और पैसा बहुत बड़ी चीज है। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आदमी काम करता है तो काम के लिए सबसे पहला जो काम है वो हर आदमी अपना बुढ़ापा को ठीक रखना चाहता है। क्या बुढ़ापा को ठीक रखना चाहता है, इसीलिए लोग काम करते हैं उसमें खोजते हैं कि मेरा बुढ़ापा कैसे ठीक है। यानी कि अगर आज के डेट में 60 साल यहाँ पर आते हैं सब लोगों को दुनिया रिटायर कर देती है, यहाँ तक कि घर में भी लोग रिटायर कर देता है, सब लोग बोलता है कि बेवजह बुढ़वा जो है ना खाली ऑर्डर करता, क्या बोलो काम धाम तो करता नहीं है, बेवजह ऑर्डर करता। क्या एक बार पानी मांगेगा तो चार बार में पानी आता, क्या चार बार बोलने के बाद, यानी कि ये आदमी किसी काम का नहीं रह जाता। क्या लेकिन दुनिया रिटायरमेंट तो कर दिया, सब लोगों ने रिटायरमेंट कर, लेकिन इसको गॉड ने कहा कि नहीं अभी आपका रिटायरमेंट नहीं होना,
और ये बोलता है कि नहीं आपको अभी हम 80 साल तक जिंदा रखेंगे। जब ये 80 साल तक, तो लोग सोचते हैं कि 60 साल में मेरा इनकम जीरो हो गया, 80 साल अगर हम जिंदा रहेंगे तो ये 20 साल का जिंदगी मेरा क्या होगा। सरकार का बुढ़ा पेंशन क्या? शाहरुख खान के पिताजी वही बोले थे कि भैया संघर्ष को जीवन दे बेटा, जवानी में संघर्ष करना चाहते हो तो बुढ़ापा में तय तुम्हें करना। जवानी वाला कर लिए तो बुढ़ापा तक गंजन लिखा होगा क्या? तो इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि आज मौका है, आज पहली बार आप लोगों को मौका मिला है कि आज संघर्ष का रास्ता चूज कर दे क्या। और ये सवाल को ढूंढते ढूंढते लोग पूरी जिंदगी काम करता है, फिर भी ये सवाल का जवाब नहीं है। 99% के पास लोगों का सवाल का जवाब नहीं मिलता। और यहाँ पर ये क्वेश्चन उनका मरने का दिन तक ये क्वेश्चन ही बना रह जाता है क्या, इसका इनको हल नहीं मिलता। दूसरी बात क्या है कि दूसरा इमरजेंसी ये किसी के साथ आ सकता है? यस, हम जा रहे हैं रोड में, चल रहे हैं रोड, अभी पतला पतला है, छोटा छोटा है, संख्या बढ़ गया। पहले 50 साल में क्या था कि वहां पर साइकिल से लोग चलते थे, बैलगाड़ी से चलते थे, एक्सीडेंट भी होता था तो किसी को चोट नहीं लगता था, गिरता भी था तो कुछ नहीं होता था। आज क्या है, हर घर में मोटरसाइकिल है और रोड वही 50 साल वाला क्या, वही छोटी रोड है और चलने वाले लोगों की मोटरसाइकिल की संख्या बढ़ गई है। नतीजा क्या होता है कि आज कोई ना कोई किसी को डैश कर देता है और इमरजेंसी हो जाती है। नतीजा क्या होगा? नतीजा होता है वो आदमी चला जाता है हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में चला गया 6 महीना तक चला गया हॉस्पिटल में। अब बताओ यार, इस इमरजेंसी में जो काम कर रहा है उस काम के वजह से 6 महीना बेड पर रहने को पैसा मिलेगा? नो, नहीं मिलेगा। तो बताओ ये एक सवाल, यानी कि हम कभी बेड पर चले गए तो मेरे बाल बच्चे को कभी दुख तकलीफ नहीं हो, इसके लिए भी लोग तैयार करते हैं, व्यवस्था करते हैं क्या? तीसरी बात, अगर इमरजेंसी में हम वापस बेड से नहीं आए तो हम इस दुनिया से चले गए। yes. तो मेरे पीछे हम क्या छोड़ के जाएंगे, मैं अपनी पत्नी, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े माँ बाप को छोड़। yes. यानी कि हमारे मरने के बाद हमारे बाल बच्चे परिवार का क्या हो, ये तीन सवाल। yes. चौथा सवाल, लोग ले जहर में लेके काम पाते हैं कि भाई महंगाई की मार मनी का डिफेंडेशन, मनी का डी मिला। आपको पता है भारत देश में पैसा हर साल 10-15% वैल्यू गिर जाता है। yes. कभी भी कोई चीज महंगा नहीं होता है, पैसा का वैल्यू गिरता है इसलिए वो धीरे धीरे आपको महंगा दिखाई पड़ता है। अगर वो जो पैसा जो 100 रुपया में इस साल आप सामान ले रहे हैं तो वो अगले साल 115 रुपया में आ जाए, और इसको कोई सरकार का ताकत नहीं है कि इसको रोक सके। महंगाई को रोक सकता है? no. क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि पैसा, यहाँ का बजट जो है वो हर दिन हर साल माइनस में जाता है। क्या होता है? माइनस में, चूंकि यहाँ पर पैसा अर्निंग का साधन कम है, खर्चा ज्यादा है क्या भारत देश में? क्या है? अर्निंग कम है और खर्चा ज्यादा है। ये बजट कभी भी आपका प्लस में जाएगा? नहीं जाएगा। तो माइनस में जाएगा, तो बताओ जो बजट आती है माइनस में, इसको 1 अप्रैल को सरकार क्या करती है? वो माइनस में लेके चलती है बैलेंस शीट को, उसको जीरो करती है। जीरो करती है, इतना तो आप लोग जानते होंगे। अब वो जीरो किस रास्ते से करेगी? अब माइनस को भरपाई करने के लिए सरकार के पास 3 रास्ता है। या तो कोई विदेश से कंपनी को बुला लेता है और अपने किसी चीज में हिस्सेदारी बेच देना है क्या, पहला। दूसरी बात क्या है कि आज के डेट में आपको किसी विदेशी बैंक से या विश्व बैंक से लोन ले लेना है क्या, हर साल लोन ले लेना है। उसके बाद तीसरा, अगर यहां से पैसा नहीं पूरा तो हमको कम से कम 10% पैसा को क्रेडिट कर लेना क्या, यानी कि आपको 3 तरीके से पैसा सरकार ले आती है और उसको माइनस को जीरो में लाके बैलेंस शीट को तैयार कर लेना। इसका मतलब पैसा जो बाहर से आया तो आप सोचिए जरा सा
कि अगर दूध में बाहर से पानी मिलाना शुरू कर दे तो दूध की क्वालिटी घटेगी कि बढ़ेगी? तो पैसा ज्यादा बाहर से आ जाएगा तो पैसा का लिक्विडिटी घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी, वैल्यू घटेगा क्या? जब पैसा का वैल्यू घटेगा तो भैया बताओ आज के रेट में महंगाई ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। क्या कितने लोगों को आज पैसा जो साल में 15% का ग्रोथ मिल जाता है, कोई काम में 15% का ग्रोथ मिलता है क्या? नहीं मिलता है। यानी कि महंगाई आपका मनी का डीवैल्यूएशन ये अलग तरीके से आपको मार रहा है। क्या कोई आदमी आज के में खुश नहीं? और ये पांचवा फ्यूचर इसका आने वाला पीढ़ी का, एक एक बच्चा के लिए हर गार्जियन आज परेशान है। क्या उसको पता ही नहीं है कि उसका बच्चा का भविष्य क्या है? आज एजुकेशन परचेस करके लोग अपने बच्चे को दे रहे हैं। आज बच्चे को, दो बच्चा है, ऑपरेशन करा लिए हैं, डर है बना हुआ कि कहीं कोई बीमारी के चक्कर में फंस नहीं जाए, फंस जाएगा तो मर जाएगा। इधर हम ऑपरेशन करा चुके हैं, बच्चा भी बड़ा, उसको यानी कि उसको इलाज भी बेहतर से बेहतर देना है। क्या यानी वो भी आपको खरीदना? क्या अभी आपका दो चीज खरीद के मिल रहा है, एक तो आपका इलाज खरीद के मिल रहा है, दूसरा एजुकेशन खरीद के मिल रहा है। क्योंकि आज जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस स्कूल में बच्चे को बोर्ड में पढ़ाया जाता है एप्पल। एप्पल कैसा होता है? सेब ऐसा होता है। अब यहां पर बच्चा पढ़ रहा है एप्पल मतलब सेब, वो फोटो दिखा दिए। अब यहां पर बच्चा का क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ कि एप्पल कैसा होता है, लाल होता है कि काला होता है, उजला होता है, हुआ चिपटा होता है कि गोल होता है। लेकिन वही बच्चा जेडी को इंटर स्कूल में पढ़ता है तो वहां प्रोजेक्टर में एप्पल का साइज दिखाता है, ये है एप्पल। कॉन्सेप्ट किसका क्लियर होगा? जेडी को इंटर का। वो पैसा जो बच्चे को प्रोजेक्टर में एप्पल को दिखा रहा है। क्या यानी आपका बच्चा यहाँ पर पढ़ करके उसका कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है और उस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो कंपटीशन में भैया वो बच्चा आगे बढ़ेगा कि आपका बच्चा बढ़ेगा? वो बच्चा बढ़ेगा। और आज नतीजा क्या हो गया कि आज बच्चे का भविष्य कोई भी गार्जियन तय नहीं कर पा रहा है कि मैं अपने बच्चे को क्या पढ़ाऊं, क्या क्या कराऊं आज किसी भी गार्जियन। और इसीलिए गार्जियन सीधे बोलता है कि मैं तो अपने बच्चे को छोड़ दिया हूं, वो जो करना चाहता है हम कराना चाहते हैं। क्या यानी कि जो जिम्मेवारी उसके पास है वो किसको कर दिया, तय कर दिया? बच्चे को। और नतीजा क्या होता है कि हमारा बच्चे का फ्यूचर अंधेरा। एक लड़की की शादी, क्या लगता है नितिन जी बोल दिए दहेज पड़ता खत्म हो गया क्या? नहीं, कभी जीवन में नहीं खत्म होगा। कहे कि लड़के वाले को भी पता है कि जो मांगना है सरवाल से मांग लो, यानी जीवन में हमको तो कभी करना नहीं, हम तो कभी कर नहीं पैसे के। सबसे पहले वो मोटरसाइकिल मांगता है, उसके बाद क्या है घर द्वार का सलाह चौकी से सब चीज मांग लेता है। क्या फ्रीज फ्रीज टीवी टीवी यानी जो चीज वो नहीं कर सकता वो मांग लेता है। क्या वो आज ये स्थिति है? तो ये बहुत बड़ा, ये पांच सवाल जो है ना ये लोगों के पास है। इसके लिए पैसा चाहिए, इस तीन चीज के लिए पैसा और ये दो चीज के लिए पैसा। कैसा पैसा? इस पैसे को कहा जाता है पैसिव इनकम और इसको कहा जाता है एक्टिव इनकम। यानी कि हम काम करते हैं तो पैसा आता है, उसको कहा जाता है एक्टिव इनकम। अब पैसिव इनकम, हम काम नहीं करें तो पैसा है। यानी कि हम 20 लाख रुपया बैंक में डाल दिए, वहां से 8% सूद आ रहा है, वो मेरा पैसा। हम कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना दिए, वहां भाड़ा आ रहा है, वहां से पैसा क्या, इसको क्या कहा जाता है? पैसिव इनकम। अब बताइए कि आज के डेट में कितने लोगों के पास पैसिव इनकम है, कितने लोग कमा रहे हैं कि पैसा जुगाड़ करके अपने जीवन में ही बुढ़ापा आते आते वो पैसिव इनकम को तैयार कर लिए? क्या कितने लोग ऐसे? बहुत कम। क्या तो आज के डेट में अब इन सारी चीजों को करने के लिए आज के डेट में आपके पास सबसे पहला काम क्या है? खेती। अच्छा बताइए, खेती घट रहा है, खेत घट रहा है कि बढ़ रहा है? 50 साल पहले आपके दादाजी के पास जितना खेत था, आज आपका पोता आप है तो आपके पास उतना खेत है क्या? यानी कि खेत हर दिन पीढ़ी आने पर, नया पीढ़ी आने के बाद वो घट रहा है। नतीजा क्या हो गया? अब खेत एकड़ में किसी के पास नहीं है, अब वो बीघा में भी नहीं है, अब वो कट्ठे में आ गया है। और कट्ठे में नतीजा ये आ रहा है कि उस खेत से अब कुछ नहीं हो रहा है, लोग खेती
खेती करता है और जैसे तो दो महीना तीन महीना का समय मिलता है लोग दिल्ली पंजाब भागता है क्या, फिर वहां से आकर के फिर खेती करता है। यानी कि आज ये स्थिति है कि खेत से आप अपना जीवन यापन भी नहीं कर सकते, यानी कि जो दाम रोटी भी चलाने की बात है वो भी आप नहीं कर सकते। दूसरी बात आ जाती है कि अब दूसरे पास आपके पास रोजगार, आपके पास नौकरी। अभी पता नहीं हम लोगों का फ्लॉपी में नौकरी 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 इतना भरा हुआ है, नौकरी करना है क्या? सरकार के घर में 1% भी नौकरी अब नहीं है। और जब नौकरी नहीं है तो आपको पता है अभी जो है 62,000 ग्रुप बी की बहाली निकली है और 4 करोड़ फॉर्म आया है। और जानते हैं इसमें फॉर्म कौन आया? पीएचडी होल्डर का फॉर्म आया, एमबीए का फॉर्म आया, इंजीनियर का फॉर्म आया। अब हायर एजुकेशन का फॉर्म अगर लोअर ग्रेड में आएगा तो मेरा बेचारा ग्रेजुएट नहीं, एमए वाला क्या करेगा?